Welcome dear students. So here we are on chapter 2 polynomials with the important question worksheet. As I have dropped the worksheet in shorts also, so you can go through the questions which are important ones. So I can show you here also, there are total 12 important questions from chapter 2 polynomial. So aap log inko acche se kare, in case kisi ko problem aa rahi hai chapter 2 karne mein, NCERT se for board taiyari karne mein dikkat aa rahi hai, so you can do these questions, these are very important. Inse question aane ke chance bahut zyada hain, to aap log ye previous year ki help se bane hain and expected questions ki help se bane hain, so aap log in questions ko zarur kijiye. So let's start from the question number 1. Here our target is to finish each question of the worksheet in the video, taki aapko solution mein bhi problem na aaye. So we'll start with the question number 1. If alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial, then find the value of alpha square plus beta square, alpha to the power minus 1 प्लस बीटा टू द पावर माइनस वन. सो ये जो इस तरह की एक्सप्रेशन है जिसमें आपको सम ऑफ जीरोज़ दिया हो या रेसिप्रोकल का सम दिया हो, इसके लिए आपको पहले इनको ही सिंप्लीफाई करना होता है. सिंप्लीफाई करने के बाद आप डायरेक्टली रिलेशनशिप बिटवीन कॉफिशियंट्स एंड जीरो से आंसर निकाल सकते हैं. तो इसके लिए जो सारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं अल्फा और बीटा की एक्सप्रेशन है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाली हुई है इन शॉर्ट्स. आप वहाँ से सारे फॉर्मूलाज नोट कर सकते हैं और इन्हें लर्न कीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. आपको सारी एक्सप्रेशन ऑलरेडी एग्जाम में पढ़ी हुई मिले, सो यू जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो ताकि आपको ये सारी एक्सप्रेशन मिल जाए. यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, वी विल ट्राई टू आंसर दैट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 2, सो यू जस्ट सी इट केयरफुली. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा बीटा आर द जीरोज एंड पॉलिनोमियल आपको दिया गया है 5x² + 5x + 1. इसकी हेल्प से आपको कैलकुलेट करनी है टू एक्सप्रेशंस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करना है एंड अल्फा टू द पावर माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर माइनस 1. सो एज आई टोल्ड यू इन द वीडियोज, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये कैसे आया है, विद द हेल्प ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर. सो आई टेल यू ओवर हियर ऑल्सो, ए प्लस बी होल स्क्वायर को लिखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू निकालिए, सो आप क्या करेंगे, यू विल कीप ए प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज और माइनस 2ab इधर ले आएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. लाइकवाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर आप इमेजिन करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. हेयर इट इज़. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेपरेट स्क्वायर्स की सम की वैल्यू नहीं जानते हैं. रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशियंट्स, उससे हम ये जानते हैं अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली माइनस बी अपोने होता है और अल्फा बीटा सी अपोने होता है. तो यानी आपको अल्फा प्लस बीटा अगर मिल जाए तो देखो मिल गया है, और अल्फा बीटा तो आप डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकाल सकते हैं. कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग से सॉल्व होने वाली होती है, रियल रूट्स उसके होते हैं, तो आप डायरेक्टली अल्फा बीटा निकाल कर पुट कर सकते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं मिलती है जिसमें आपको इसकी मदद लेनी ही होती है. तो इसलिए आप इसके लिए एग्जैक्टली अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए. सो माइनस एज इट इज़, वॉट इज़ बी, यू नो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स इज बी, और लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म सी होती है. सो माइनस एज इट इज़, इन प्लेस ऑफ बी इज़ 5 and a is 5 again, c is 1 and a is 5, so this is 1 minus 2 upon 5 LCM, that is 3 upon 5 answer. Now similarly alpha to the power minus 1 ko hum likh sakte hain 1 upon alpha, aur power minus mein hai, positive banegi niche lakar, so alpha beta LCM then cross beta plus alpha. Ab hum dekh sakte hain alpha plus beta phir se minus b upon a to hota hai, divide by alpha beta c upon a, outer to outer, inner to inner multiply kijiye. सो माइनस ए बी इंटू ए सी, ए से ए कट, सिंपल आंसर माइनस बी अपॉन सी. सो बी की वैल्यू 5 अपॉन सी इज 1, सो आंसर इज माइनस 5. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1. आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ एक्स इक्वल 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड के. तो आप जानते हैं जब एक रूट दिया होता है किसी भी इक्वेशन का, या दो रूट दिए हो, तो वो रूट हमेशा अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो सेटिस्फाई करने का मतलब है आप उन्हें एक्स की वैल्यू में पुट करके एक्स की प्लेस पर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको सॉल्यूशन दिया जाए, रूट दिया जाए, जीरोस दी जाए, तो समझ जाना आपको एक्स की प्लेस पर उसे पुट करना है और अपना नोन कॉन्स्टेंट निकाल लेना है. सो वी विल राइट, सिंस एक्स इक्वल 3 इज अ जीरो ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल 0, सो इन प्लेस ऑफ एक्स हम पुट करने वाले हैं 3. सो 3 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू के इंटू 3 एंड माइनस 6 इक्वल 0, 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल 0, माइनस 6k, 9 में 6 जाएगा, प्लस 3 इक्वल 0, माइनस 6k इक्वल माइनस 3, सो k इक्वल 1/2 आंसर. सो नाउ द नेक्स्ट टर्न इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको जीरोज
निकालनी है और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। इसमें मैंने हर टाइप की प्रॉब्लम इंक्लूड की है, जिसमें रूट एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर आ जाएं आप तब कैसे करेंगे, मिडल पर आ जाएं, फ्रैक्शन में आ जाए, टू टर्म आ जाए, थ्री टर्म्स आ जाएं, इसमें सारी पॉसिबल केसेस इंक्लूड किए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इन सिक्स केसेस को कर पाते हैं तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप अच्छे से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। ईजी से शुरू करेंगे एंड वी विल गो टू द टफेस्ट वन। फर्स्ट पार्ट में सिंपल दिया है 4s² - 4s + 1। आपको इसे स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है और इसकी जीरोज निकालनी है, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सो नाउ वी कैन डू इज 4 1s are 4, तो स्प्लिटिंग से यहाँ फैक्टर्स निकलेंगे 2 + 2 = 4 एंड 2 2s are 4। सो आई एम राइटिंग 4s² - 2 + 2s + 1 = 0, 4s² - 2s - 2s + 1 = 0, 2s is common, 2s - 1 - 1 common, 2s - 1 = 0, 2s - 1 again common, and 2s - 1 left over. So I can get s = 2s = 1, s की वैल्यू हाफ, अगेन 2s = 1, s की वैल्यू हाफ, यानी कि सो हेयर अल्फा भी आपका हाफ आ गया है और नेक्स्ट जीरो देखो बीटा भी आपकी हाफ आ गई है। अब यहाँ पर आपको ए बी सी आइडेंटिफाई करने हैं ताकि आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर पाएँ। एंड ए की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ पर, ए इज़ 4, बी इज़ -4 देखिए, और सी लास्ट देखिए। जब भी आप कोफिशेंट लिखेंगे तो आप माइनस को भी इंक्लूड करेंगे, देखो 4 के पीछे प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी 4 आ गया है। बी कोफिशेंट होता है x का, तो यहाँ पर x का काम s कर रहा है, तो -4 एंड सी इज़ द +1, ठीक है। देन आप लिखेंगे हेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशेंट। सो जीरोज एंड कोफिशेंट के बीच की रिलेशनशिप कैसे निकाली जाती है आप जानते हैं, देर आर टू रिलेशन। फर्स्ट हम लाइन करेंगे, दोनों रिलेशन लिखेंगे। फर्स्ट है हमारा अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a, सेकंड होता है अल्फा बीटा शुड बी c/a। तो एक बार दोनों को अल्फा बीटा को प्लस कीजिए, यानी हाफ प्लस हाफ, नेगेटिव ऑफ b, b की वैल्यू देखिए -4 है, सो -4/a कितना है 1, 4, सो 1, सो -1 + 1, हाफ हाफ भी 1 होता है, सो 1 = 1, फर्स्ट वेरीफाइड। अब मल्टीप्लाई करो अल्फा और बीटा को, यानी अल्फा हाफ और हाफ को, सो c/a के बराबर होना चाहिए, c/a का मतलब है 1/4 के बराबर, तो ऑलरेडी देखो 1/4 = 1/4 आ रहा है, सो हैंस वेरीफाइड। सो दिस वे आप पहले जीरोज निकालेंगे और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। नाउ व्हाट यू डू, आप लोग इन रिमेनिंग पार्ट्स को ट्राई कीजिएगा, दिस इज़ फॉर द पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में ये रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट समझेंगे और बाकी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सो यू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस, और नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें और कमिंग वीडियोज़ को भी, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अच्छी कमांड हो जाए। थैंक यू सो मच।